क्या है, और गाड़ी यहाँ पे खड़े खड़े गिर गई यार, बैलेंस मेरा नीचे आ गया। तो बाकी वेडिंग का तो पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के वेडिंग में आप जब जाओगे सुबह सुबह, तो आपको सबसे पहले नाश्ता मिलेगा पोहा। और महाराष्ट्र में भी लोग सुबह सुबह नाश्ते में पोहा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो गाइस, मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग पकड़ लेते हैं। यहाँ पे भाई का बैनर पीछे लगा हुआ है, अजीत और ललिता। एक चीज़ तुम्हें बताना भूल गया, आज है 26 तारीख और 26-27 तीन ऑर्डर, तीन वेडिंग। अच्छे हैं कि अच्छे, मतलब अच्छा ये है कि अच्छे दोस्त मिल गए हैं, कि सब हैंडल हो पा रहा है, दोस्त लोग काम संभाल रहे। एक हम यहाँ पे आए हैं, ईश्वर को यहाँ पे लाए हैं। 3 बजे मैं यहाँ से जाऊँगा बोईसर, जहाँ पे हमारे साबुद्दीन भाई का शादी है, और एक तीसरा ऑर्डर जहाँ पे ध्रुव हमारे पालघर के वो हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका है, हमारे हाथ में लेंस है, बस गाइडेंस कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टर वाला काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि फुल सिनेमेटिक वीडियो है। मीन्स लाइक 3 दिन का इवेंट 10 मिनट में ख़त्म करना है, वैसा शूट हो रहा है। और पीछे हमारे दूल्हे साहब भी आ रहे हैं। थोड़ा सा ही गंदा हुआ है खाली। सो जो आपने म्यूजिक सुना यार, क्लासिक म्यूजिक था, मतलब भाई काम नहीं होता ना तो नाचने को लग जाते हम यहाँ पे, लेकिन खतरनाक बज रहा था ना। yes. जो आपने सुना ना, इसका कॉपी राइट आएगा ना, कोई क्लैम करेगा, सुनने वाले बस मजे लेंगे। सो yeah. यहाँ पे सारा काम ईश्वर के पल्ले है, हम जा रहे हैं दूसरे दोस्त की शादी में। और भाई बैठे रहो, मिलते हैं कल। ओके, कल मिलते हैं आपसे। और हेलमेट यहाँ पे, दिक्कत नहीं, ये है सामान लेगा। ओके, अगर टाइम में जल्दी फ्री हो गया तो रात को ही आ जाऊँगा मैं भी। हाँ, ओके चलो फिर आता हूँ। ओके, यहाँ का लोकेशन तो देख लो यार एक बार, मेरे पापा मौर्य घर पहुँचा देना मुझे अच्छे से, क्योंकि वहाँ भी शादी में नाचना है भाई। हाँ, सब देख रहे पीछे हैं। हाँ, बहुत अजीब लगता है ऐसे लोगों के बीच में कैमरा लेके व्लॉगिंग करना, कितने 3 साल से बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी कर रहा हूँ, मज़ा आता है। तो फाइनली 52 मिनट में जब, अरे यार वो कल भी गया, जवार से हाईवे पहुंच गया। और हम कब जाएंगे यार, अब यहाँ से घर है अपना 25 किलोमीटर। चला ये फ़ोन का कुछ तो करना पड़ेगा, इतना फ़ोन आया है ना कि ज़िंदगी संताप गया है। और गाड़ी यहाँ पे खड़े खड़े गिर गई यार, बैलेंस मेरा नीचे आ गया। क्या हुआ, यहाँ पे गाड़ी रोका था लेकिन इसके अंदर ना मेरा पैर धक्का चला गया और मैं नीचे हूँ, गाड़ी मक्खन की तरह लेके गिर गया। ओह सॉरी, कैमरा चालू हो गया, पता नहीं चला। तो भाई 70 किलोमीटर पार करके बोईसर पहुँच गए, अभी दूसरे काम पे जाना है। और यहाँ पे हमारे ध्रुव और ध्रुव के पार्टनर संभाल रहे, अगर ये नहीं होते तो हम कहीं रास्ते पे बैठ के चिल्ला रहे होते भाई हमें बोईसर से भगा ले चलो, वरना काम तो बहुत ले लिया था, बंदे का ठिकाना ही नहीं था, मतलब बंदे कहाँ से लाऊं मैं। सो फाइनली यहाँ पे एक चल रहा है काम, अभी हमें जाना दोस्त की शादी में। सब बढ़िया चल रहा है ना भाई, सब बढ़िया। तकलीफ एक ही बात की है कि सुबह 8 बजे से आके बैठे थे, काम कब स्टार्ट हुआ, 1 बजे दोपहर के 1 बजे, मतलब 4 घंटे वेस्ट हो गए पूरे, ऐसे ही बैठे थे। क्या है, ज्यादा बकिया करो मैं, वरना ये हम मालूम है कहाँ आ चुके हैं भाई, बहुत दूर से आए हैं दोस्त की शादी में, और यहाँ भी वही काम कर रहे हैं।
दोस्तों जब मैंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगा, एक दूसरे बंदे को भेजता हूँ क्योंकि मैं जवाहर में बिजी था भाई, ऐसा गुस्सा हो गया वो आए यहाँ पे। एक चीज़ दिखाते वहाँ पे गाड़ी किस हालत में है, ये देखो बाबा जान पे क्या लगा है, बाबा जान पे रोज लगा है। सो फाइनली पहली बार ये जा रहा है साबुदीन की शादी में बैंड बाजा लेके, ये देखो क्या कर दिया गाड़ी में, देखो इन्वर्टर यहाँ पे लगा के बैटरी डाल के पूरा म्यूजिक सिस्टम डाल दिया गाड़ी में, गजब। तो देख रहे हो गाड़ी कहाँ पे चल रही है, हाँ। तेरी शादी में दूल्हा बनकर तू उसमें बैठेगा, ये गाड़ी नहीं तो बैठूंगा बस ये गाड़ी टिक जाएगी बोलता। ओके एक मिनट रुक जाओ। सो यह हमारे उमर गांव के एक सब्सक्राइबर है मनिया सुरबा। ओके सो बहुत शर्मा मनिया हाँ ओके मनिया शर्मा ओके विकास ओके सो मनिया शर्मा नाम है इनका, और काफ़ी टाइम पहले उमर गांव में इनसे मिला था और कह रहे हैं कि बहुत बड़े फ़ैन हैं और छोटी मोटी टिप्स देते रहते हैं यूनिक। सो मैं अभी व्लॉगिंग कर रहा था, सो जस्ट विकास भाई ने हमसे इनसे बात कराई और कुछ बातें शेयर कर रहे थे, लॉकडाउन के व्लॉग कुछ यूनिक लाओ और हमेशा व्लॉग देखते रहते। थैंक यू सो मच भाई व्लॉग देखने के लिए। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते, ऐसे बहुत सारे मैसेज और मेल भी आते हैं मुझे कि थोड़े व्लॉग में चेंज लाओ, थोड़े व्लॉग में ऐसे दिखाओ। सो पूरी कोशिश करता हूँ उन लोगों की रिकमेंड करने की, लेकिन उनमें से थोड़ा भी नहीं हो पाता है। मैं ना अपने ले में चले जाता हूँ, मतलब मैं जैसा करता हूँ उसी फ्लो में निकल जाता हूँ, कोशिश नहीं करता कि थोड़ा जो मेरी ऑडियंस मुझे बोल रही है थोड़ा उस फ्लो में जाऊँ। कभी कभी जाता हूँ लेकिन दूसरे दिन फिर ब्रेक हो जाता है। सो इट्स लाइक अ डेली व्लॉगिंग चालू हो चुका अभी मेरा, ऐसा हो गया। ट्रैवलिंग तो ज़ीरो हो गया, ट्रैवलिंग भी है लेकिन एक ही रूट पे बार बार ट्रैवलिंग है, तो रास्ता भी याद हो गया कि कहाँ पे गड्ढे कहाँ पे नहीं गड्ढे है। सो डोंट वरी, डेली व्लॉग भी आ रहा है और लोग भी देख रहे हैं, धीरे धीरे शायद से इसमें भी लोग और ग्रोथ हो जाए तो और मज़ा आ जाए। जस्ट लाइक अ डेली व्लॉग लाइफ स्टाइल, वही है कि पुराना टी शर्ट सालों से अभी तक पहन रहा हूँ। सो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सो एक शूटिंग था जवार में, एक शूटिंग था बोईसर के केटी के सामने, मीन्स एक एरिया है वहाँ पे, एक शूटिंग था हमारे दोस्त का ही। सो उसने मुझे मतलब बोला था अगर तू नहीं आएगा तो मतलब ख़त्म फिर, तो अब क्या, एक बंदे को वहाँ भेजा, फिर मैं यहाँ पे आया, शूटिंग भी किया, वेडिंग भी अटेंड किया, फाइनली ठीक हो गया। अब कल मैं पूरा दिन रहूँगा जवार में, सो मिलेंगे वहाँ पे गाइस। बाय बाय, मेक श्योर लाइक दिस वीडियो प्लीज़।